वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक थंबनेल कैसे क्रिएट की जाती है प्रोफेशनली। थंबनेल जिस तरह से बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपनी थंबनेल क्रिएट करते हैं, आप कैसे प्रोफेशनली थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि थंबनेल आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा मेन होती है। आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स वगैरह ये इतने इंपॉर्टेंट बाद में होते हैं, उससे पहले इंपॉर्टेंट होती है आपकी थंबनेल। जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिंग आपकी थंबनेल होगी, उतने ही ज़्यादा आपके वीडियोस पर व्यूज़ आएंगे। अगर आपकी थंबनेल ही अच्छी नहीं है तो आपकी वीडियोस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी वीडियो सजेशन में जाती है, यूट्यूब सजेशन में भेजता है, और जब आपकी थंबनेल अगर अच्छी है तो ही कोई भी आपकी वीडियो पर क्लिक करेगा। आप अपने आप को एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि आप भी सिर्फ उसी वीडियो पर क्लिक करोगे जो जिसकी थंबनेल आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि वीडियो के अंदर क्या है वो चीज़ हमें बाद में पता लगती है, पहले हमें ऊपर से ही पता लग जाता है। थंबनेल अगर अच्छी लगती है तो हम वीडियोस को देख लेते हैं। तो थंबनेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको थंबनेल बनानी आनी चाहिए। तो मैं आपको आज सिखाऊंगा कि मोबाइल के ज़रिए से आप कैसे एक प्रोफेशनली थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। अगर आप टिकटॉक क्रिएटर हैं तो आपके लिए एक गिफ्ट है मेरी तरफ से, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं सबके लिए एक गिफ्ट है, जो वीडियोस के अंदर आपको पता वीडियो के अंदर पता लग जाएगा। बीच में या लास्ट में बिना स्किप करे वीडियो को पूरा देखें, कहीं आपसे वो गिफ्ट मिस ना हो जाए। मैं गिफ्ट दूंगा आपको एक, अगर आप क्रिएटर हैं, टिकटॉक क्रिएटर हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थंबनेल क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है पिक्सल लैब, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है। वहाँ से आप डायरेक्ट जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने शो होगा। तो इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको तीन डॉट दिख रहे हैं, तीन डॉट पर क्लिक करना है, इमेज साइज पर जाना है, कस्टम पर जाना है, और यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करके ओके कर देना है। ये थंबनेल का साइज़ आ जाएगा आपका। अब आपको जिस टॉपिक पर थंबनेल बनानी है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, जितना चाहे उतना टाइप कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 3D टैक्स का है, यहाँ पर अलग अलग आप कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप जाएंगे यहाँ ए पर, यहाँ पर आप टैक्स कर सकते हैं, यहाँ पर आप सारी एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिली हुई हैं। ड्रॉ करने का ऑप्शन है, आप ड्रॉ कर सकते हैं कुछ भी जो आप ड्रॉ करना चाहें, शेप दे सकते हैं, कोई एरो दे सकते हैं, यहाँ पर इमेज लगा सकते हैं, स्टिकर लगा सकते हैं, ये सारी आपको चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। और जब चौथे ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर के लिए आ जाता है ऑप्शन, बैकग्राउंड कलर आप क्या देना चाहते हैं, इमेज कोई क्रॉप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड कलर चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप कलर दे सकते हैं यहाँ पर। जैसा कि मैंने यहाँ पर ब्लू कलर दे दिया है, तो अब आपको क्या करना है, आपको टैक्स करना है, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मोबाइल से यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं। यहाँ पर आपको ओके कर देना है। यहाँ इसे आप अपने अनुसार साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, इन सारे फीचर्स का आपको यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ से साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ पर आएंगे नीचे कलर है, कलर आप जो भी देना चाहते हैं वो कलर आप इसको दे सकते हैं अपने अनुसार, जो भी आपको बेस्ट लगे। और नीचे आएंगे यहाँ पर कैपेसिटी है, यहाँ पर मतलब कि आप इसे कम ज़्यादा जैसे भी आप दिखाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं ये हल्का हल्का दिखे तो आप इसको कम कर सकते हैं। और नीचे आएंगे यहाँ पर फॉन्ट है, फॉन्ट आपको चूज़ करना है, जो कि आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग दिखाता है फॉन्ट से, तो आपको जो फॉन्ट अच्छा लगे वो आप चूज़ कर लेंगे ना। यहाँ पर आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये देख सकते हैं स्टाइल चेंज हो जाएगा, और इसमें कर्व वाले ऑप्शन में जाओगे तो आप कर्व दे सकते हैं इसको, इस तरीके से आप कर्व में दे सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं इसकी। थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको स्ट्रोक का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर स्ट्रोक दे सकते हैं आप, ये जो लाइन है इससे आप कम ज़्यादा स्ट्रोक कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप स्ट्रोक दे सकते हैं, शेडो दे सकते हैं। यहाँ पर आपका 3D टैक्स का ऑप्शन है, यहाँ 3D टैक्स हो जाएगा ये, और एक 3D रोटेट है, आपका 3D रोटेट भी हो जाएगा, जिस तरह से भी आप देना चाहें जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पर आपको टाइम देना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना आपको थंबनेल, जितनी ज़्यादा आपकी थंबनेल अट्रैक्टिंग होगी उतनी ज़्यादा आपकी वीडियोज़ वायरल होगी।
तो आपको इसमें थंबनेल बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम देना है। और यहाँ पर एक बैकग्राउंड का ऑप्शन है, यहाँ पर आपके जो जो भी आपने लिखा है उसके बैक में एक कलर आ जाएगा, जो भी कलर आप चूज़ करना चाहें वो कलर आप चूज़ कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। और अगर ये देख सकते हैं कम ज़्यादा हो रहा है तो आप नीचे आकर इसको सेट कर सकते हैं, जैसे भी ये कम ज़्यादा जैसे भी करना है आपको उस तरीके से आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपको लिखना है, ये सारी कुछ फ़ीचर्स हैं, ये सारे फ़ीचर्स का आपको यूज़ करना है। और फिर आपको कुछ और लिखना है, सेकंड टेक्स्ट करना है आपको, फिर से यहाँ पर ए पे जाना है, आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करना है, और जो भी लिखना है फिर आप सेकंड टेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ टेक्स्ट करने के बाद इसको यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, जहाँ भी आपको रखना है इसको, जैसे भी देना है, फिर इसकी भी आप सेटिंग कर लेंगे। जिस तरह से अभी इसके फीचर्स का सारा यूज़ किया था आपने, जिस तरह से इसकी सेटिंग की, उसी तरीके से आप इसकी सेटिंग, इस तरह से आप इनकी भी सेटिंग कर लेंगे। आपको कुछ और लिखना है तो और कुछ भी लिखेंगे तो उसको भी आप इसी तरीके से, जो फीचर्स हैं उन फीचर्स की मदद से आप इसको दे सकते हैं अपने अनुसार, जैसे भी आपको डिज़ाइन देना है डिज़ाइन दे देना। आप इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं, जो भी आप वर्ड लिखना चाहें वो वर्ड लिखकर आप उन्हें एडिट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने फ़ीचर्स अभी आपको दिखाए थे उन फीचर्स की मदद से। और कुछ और भी लिखना है तो आप फिर से टेक्स्ट पे जाएंगे, फिर से एडिट पे जाएंगे, और यहाँ पर आपको टेक्स्ट कर देना है जो भी आप। इस तरीके से आप थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई इमेज लगानी है तो इमेज लगाने के लिए आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है, और अपनी गैलरी में से आपको फ़ोटो चूज़ कर लेना है, जो भी आपको फ़ोटो लगाना है उस फ़ोटो को चूज़ करके आपको क्रॉप कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फ़ोटो, इसको आपको सिंपली क्रॉप कर लेना है, जितना भी आप फ़ोटो लगाना चाहते हैं। ये देख सकते हैं ये फ़ोटो आ गया, इसको फ़ोटो को आप लगा सकते हैं, आप इसको सेट कर सकते हैं जहाँ भी आपको सेट करना है, जिस तरह से भी आपको सेट करना है आप इसकी आराम से सेटिंग करें। इसमें थंबनेल बनाने के लिए बनाने में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। यहाँ देख सकते हैं हमारी थंबनेल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पर अब इसको सेव करने के लिए सिंपली आपको इस आइकन पर क्लिक करना है, और सेव एज इमेज पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, और आपकी इमेज जो होगी वो डाउनलोड हो जाएगी। सेव टू गैलरी पर क्लिक करना है, आपकी थंबनेल क्रिएट हो जाएगी, आपके फ़ोन में सेव हो जाएगी। तो ये बन गई हमारी थंबनेल। इस तरीके से आप थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। और टिकटॉक यूज़र्स के, टिकटॉक क्रिएटर के लिए जो मैंने एक गिफ्ट के लिए कहा था, वो गिफ्ट मैं आपको बता देता हूँ। जिन्होंने भी वीडियो अब तक देखी उनके लिए ये गिफ्ट है, अगर आप टिकटॉक पर वीडियो बनाते हैं तो वीडियो को मैं करूँगा वायरल, मैं दूंगा वीडियोस पर 1000 व्यूज़, वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ बिल्कुल, आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल फ्री में 1000 व्यूज़ दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे अपनी टिकटॉक आईडी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। आपकी टिकटॉक आईडी जैसे ही कमेंट होगी उसके बाद आप देखेंगे कुछ ही देर के बाद आपके वीडियोस पर व्यूज़ आपके आ जाएंगे, किसी भी एक वीडियो के ऊपर, जिस वीडियो के ऊपर आप चाहते हैं उस वीडियो का नंबर आप लिख दें अपनी आईडी के आगे, उस वीडियो के ऊपर आपको मैं फ्री में 1000 व्यूज़ दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।